नमस्कार, प्रस्तुत है युवा कवि दीपक जायसवाल की कविता भूख। भूख के मरते ही मर जाता है आदमी, बहुत भूख से भी मर जाता है आदमी। मरता तो तब भी है जब वह सिर्फ अपने लिए जीने लगता है। जब दुनिया में कहीं कोई आदमी भूख से मरता है, उस समय हर वह आदमी जिसकी आंखों का पानी मरा नहीं, थोड़ा सा मर जाता है। मरने को तो मर गया सिकंदर भी, हिटलर भी, गांधी भी, नॉर्मन बोरलॉग भी, टॉलस्टॉय भी, मर्लिन मुनरो भी और आर्केस्ट्रा वाली मुनिया भी। पर इनकी भूख में अंतर था, मरने में अंतर था। तय है कि एक दिन हम सब मरेंगे, मर जाएगा जेम्स बॉन्ड भी। हम इस नियति को बदल नहीं सकते, पर हम तय जरूर कर सकते हैं मरने के तरीके को कि आखिर कौन सी ऐसी भूख है जो हमें ताउम्र घसीटे ले चलेगी। बहुत खुशकिस्मत हैं आप जो पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और तय कर सकते हैं अपनी पसंद की भूख को। जानते हैं अतड़ियों का सूखते हुए मरना कैसा होता है? अपने बच्चों को अपनी गोद में भूख से मरते हुए देखना कैसा होता है? क्या आप कभी सोचते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किन पर है? यदि नहीं तो आप भी मर चुके हैं।